यूं तो बीते कल देश भर में धूमधाम से होली का जश्न मनाया गया, लेकिन ये होली बेहद ही बुरी साबित हुई टोरबाज फिल्म डायरेक्टर गिरीश मलिक के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी सामने आई है कि गिरीश मलिक ने कल के दिन यानी कि 18 मार्च को अपने 17 साल के बेटे मनन को खो दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में जो पूरी जानकारी सामने आई है उसके अनुसार होली खेलने के बाद उनका बेटा बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से गिर गया, और इस खबर को कंफर्म किया है फिल्म टोरबाज में उनके पार्टनर रहे पुनीत सिंह ने। एक इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने बताया, मिस्टर मलिक के बेटे नहीं रहे, पर इस वक्त मैं कुछ और नहीं कह सकता कि आखिर ये हुआ कैसे, हम बात करने की हालत में नहीं है। तो वहीं गिरीश के बेटे के निधन पर संजय दत्त ने भी दुख जाहिर किया है और गिरीश के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भेजी हैं। फिल्म टोरबाज के प्रोड्यूसर राहुल मित्रा ने मनन की मौत पर अफसोस जताते हुए कहा, हादसे के बारे में सुनकर मेरी नब्ज बंद हो गई है। और अभी संजय दत्त को बताया है, उन्हें भी इस बात का गहरा झटका लगा है, और हमारे पास इस दुख की घड़ी में शोक व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे।